कहानियां। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक सुंदर सी कहानी। कहानी छोटी पर बात बड़ी। तो लीजिए, आज हमारी कहानी इस प्रकार है। एक साधु था, वो नदी के किनारे घाट पर बैठकर चिल्लाया करता था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। इन शब्दों को कई लोगों ने सुना और समझते थे ये तो पागल है, बोलता रहता है ऐसे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे पर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। सब उसके समझते थे इसका दिमाग तो खिसक गया। एक दिन की बात है, एक युवक वहां से गुजर रहा था। उसने उस साधु की आवाज सुनी कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये सुनते ही युवक ने साधु के पास जाने की सोचा और साधु के पास पहुंच गया। और साधु के पास पहुंचते ही उसने साधु जी से पूछा, महाराज आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूं? साधु उसकी बात सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो चाहते हो मैं उसे जरूर दूंगा, बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारी आखिर इच्छा क्या है, तुम्हें चाहिए क्या? युवक बोला, मेरे एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं हीरो का एक बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। संत जी मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं, उससे तुम जितने भी हीरा मोती बनाने चाहोगे तो बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूं। लोग इसे समय कहते हैं और इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और कभी मत गंवाना। तुम इसे जितना चाहे उतना हीरा बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसकी दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला, पुत्र इसे पकड़ो, यह दुनिया की सबसे कीमती मोती है, लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिलता है तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बात पर विचार करते हुए आश्चर्य नजरों से निश्चय करता है कि आज से वो कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम करेगा। और ऐसा सोचकर वो हीरे के एक बहुत बड़े व्यापारी का काम शुरू करता है और अपने मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन वो खुद बहुत बड़ा हीरो के व्यापारी बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है, समय और धैर्य वो दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य के साथ काम लें। मुसीबत आएगी, मुश्किलें आएगी, तकलीफें आएगी, अड़चन आएगी, लोग क्या क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, लेकिन अपना लक्ष्य को तांते हुए उस मंजिल तक पहुंचने के लिए इरादों को मजबूत करें, धैर्य के साथ चलते चले। कभी गिरावट आएगी, कभी चढ़ाव आएगा, कभी उतर जाएंगे, कभी चढ़ जाएंगे, ऐसे बहुत सारी जीवन की घटनाओं में। क्योंकि रास्ते पर जब कोई गाड़ी चलती है ना, तो वो भी अबड़ खबड़ को लेखते हुए अपने मंजिल पर पहुंचता है। कोई भी राह आसान नहीं होती है। आसान बनाने के लिए मजबूत संकल्प, उमंग उत्साह और दिल में नेक जज्बात होनी चाहिए। जो ये कहानी हमें सिखा गई कि धैर्य हमारे अंदर इतना विशाल सागर की तरह हो कि हम कभी टूटे नहीं, तब हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।
जीवन में कुछ भी चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। ये साधु ही ये स्वयं समय कह रहा है, जो चाहिए वो पाइए, जो चाहोगे वो पाओगे। ये हर एक कान में गूंज रहा है। बस ये दो हीरे और मोती को जीवन में संचय कर ले, फिर देखिए आपके जीवन कैसे अनमोल बन जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।